हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो BLS है। मेरे तमाम स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स मुझसे ये लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, ऑन कॉल भी और मैसेज के द्वारा भी, कि सर किसी दिन पूरी क्लास जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट या BLS के बारे में बताइए। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है BLS या बेसिक लाइफ सपोर्ट। इस पर हम जानते हैं कि कैसे इसका उपयोग करते हैं, इसकी गाइडलाइंस क्या हैं और कैसे हम किसी की जान को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इसको कहते हैं CPR या कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन। मतलब कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, और रिसस्टिकेशन मतलब उसको पुनर्जीवित करना या फिर से चलाना। तो ये कहलाता है CPR। और CPR को शुरू करने के पहले एक चैन ऑफ सर्वाइवल की बात करें। चैन ऑफ सर्वाइवल मतलब कुछ रूल्स हैं जिसको आप अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो क्या करेंगे कि आप उसकी लाइफ को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो पहले अर्ली रिकॉग्नाइजेशन, कोई पेशेंट है उसको हार्ट अटैक हुआ है तो सबसे पहला काम क्या है कि उसको पहचानना कि क्या ये हार्ट अटैक है। अगर आपने उसको पहचान लिया तो दूसरा काम क्या है, अर्ली CPR, उसको क्या कर सकते हैं आप, CPR दे सकते हैं। फिर अगर आपके पास रैपिड डिफिब्रिलेशन, आपके पास AED है, AED मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर या जिसको शॉक मशीन कहते हैं, तो उसका उपयोग हम करके उसको शॉक प्रोवाइड करते हैं और इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि उसका हार्ट फिर से चलना स्टार्ट कर दे। फिर आप अगर आपने कॉल किया था 108 एम्बुलेंस में तो ये इमरजेंसी नंबर है और इस पर क्या है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस आती है जिसमें तमाम वो सारे उपकरण हैं जो क्या करते हैं, उसको सुरक्षित करने में हेल्प करते हैं। और फिर जब वो एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो फिर आखिरी स्टेप क्या आता है, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर। अब जब हॉस्पिटल पहुंच गया तो हॉस्पिटल में तमाम ऐसे उपकरण हैं, तमाम ऐसे ड्रग्स हैं जिनको हम देकर उसको लाइफ को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गाइडलाइंस ऑफ द BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2015 में एक गाइडलाइंस दी जिसको हम क्या कहते हैं, गाइडलाइन ऑफ द BLS कहते हैं। और इस पे कुछ स्टेप हैं, DRCABD, डी फॉर द डेंजर और फॉर द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के साथ में रेस्पायरेशन चेक करना, फिर उसका सर्कुलेशन चेक करना, सर्कुलेशन के बाद में उसका एयर वे क्लियर करना ताकि आसानी से ऑक्सीजन अंदर जाए, फिर ब्रीथिंग, उसको सांसें कैसे देना है, और फाइनली क्या है, डिफिब्रिलेटर मतलब AED का उपयोग कैसे करते हैं। आइए देखते हैं वन बाई वन स्टेप। तो सबसे पहले क्या है, डेंजर, डेंजर चेक करना मतलब कि जहाँ पे पेशेंट है उस जगह में हमको जाना है तो सबसे पहले क्या स्थिति होनी चाहिए कि हम सुरक्षित होने चाहिए। तो सबसे पहले मेरी सुरक्षा, फिर मेरे साथ में जो विक्टिम है मतलब जो मरीज है जो कहीं पड़ा हुआ है वो, उसकी सुरक्षा भी इम्पॉर्टेंट है। जब वो सुरक्षित जगह में होगा तभी हम उसके पास जा पाएंगे। थर्ड वन इज ए बाईस्टैंडर, मेरे साथ में अगर कोई सपोर्ट के लिए गया हुआ है उस व्यक्ति का भी सुरक्षित होना जरूरी है। और फाइनली क्या है, जो एम्बुलेंस हमने कॉल की है जिसमें से पेशेंट जा आने वाली है, जिसमें से पेशेंट जाना है, क्या वो सुरक्षित जगह पे है, ये हमको सबसे पहले डेंजर में चेक कर लेना। फिर बात करते हैं रिस्पॉन्स की। तो रिस्पॉन्स कैसे चेक करना है किसी व्यक्ति का, तो शेक एंड शाउट। शेक एंड शाउट का मतलब होता है कि उसके शोल्डर्स में क्या करना है, आपको शेक करना है, टैप करना है 2 or 3 times, और साथ में शाउट करना है। शाउट मतलब मुंह से आवाज निकालनी है, RUK, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं, इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, शेक और शाउट कर सकते हैं। और सेम टाइम पे जब हम शेक और शाउट कर रहे हैं तो हमारी आंखों ने क्या किया, उसके चेस्ट के मूवमेंट को देखना शुरू किया कि रेस्पायरेशन हो रहा है कि नहीं। आपको जर्नली पता है कि जब भी हम रेस्पायरेशन लेते हैं, सांसें लेते हैं, तो हमारा चेस्ट एक बार ऊपर की तरफ अप मूवमेंट करता है, दूसरी बार डाउन मूवमेंट करता है। तो जब हम शेक और शाउट कर रहे हैं सेम टाइम में हमको क्या करना है, उसका रेस्पायरेशन देखने की जरूरत है। और इससे क्या है, हम चेक कर पाएंगे कि वो उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही। अब रेस्पायरेशन या रिस्पॉन्स चेक करने के बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो आता है सर्कुलेशन का। तो सर्कुलेशन में हमको क्या चेक करना है, उसकी कैरोटिड आर्टरी करना है। तो अगर एडल्ट है और अगर चाइल्ड है तो ऐसी कंडीशन में उसको कैरोटिड आर्टरी किसी एक साइड में कर सकते हैं चेक। अगर इन्फेंट है, इन्फेंट मतलब ऐसा बच्चा जो 1 साल से छोटा है, तो उसमें कैरोटिड आर्टरी ना करके उसकी ब्रेकियल आर्टरी चेक करते हैं। और इसको चेक करने का टाइम कितना है, मिनिमम 3 to 5 seconds, 3 से 5 seconds चेक करना है, नॉट मोर देन 10 seconds, 10 seconds से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर वो मिल रही है सो मच बेटर है, अगर नहीं मिल रही है तो हमको चेस्ट कंप्रेशन की तरफ जाना है। इफ़ पल्स आर अब्सेंट इन ऑल एज ग्रुप, स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन।
ठीक है, अगर सारे एज ग्रुप में चाहे इन्फेंट हो, चाहे चाइल्ड हो, चाहे एडल्ट हो, अगर आपको पल्स नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है। इफ पल्स इज लेस देन 60 इन इन्फेंट एंड चाइल्ड, अगर बच्चा है और चाइल्ड है, मतलब इन्फेंट है और चाइल्ड है, इन दोनों एज ग्रुप में अगर 60 से नीचे जाती है किसी की पल्स तो भी हमको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है। क्योंकि बच्चों के केस में अगर 60 से नीचे जा रही पल्स, इसका मतलब है कि उसकी जो पल्स का रेशियो है कम हो रहा है, उसका हार्ट क्या है लगातार कम काम करने की तरफ बढ़ रहा है, उस कंडीशन में भी हम चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं। इसके बाद बात करें कि चेस्ट कंप्रेशन जब स्टार्ट करना है तो क्या क्या देखना है, तो पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, काफी स्ट्रांग तरीके से और काफी जल्दी तरीके से पुश करना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है। अलाउ द फुल चेस्ट रिक्वायल, आपको यह ध्यान रखना है कि जब चेस्ट के मूवमेंट हो रहे हैं तो पूरी तरह से क्या हो कि चेस्ट नीचे तक झुकने के बाद एक बार ऊपर आना चाहिए, अपनी नॉर्मल पोजिशन में आना चाहिए, फिर आप उसको पुश करिए, फिर वो नॉर्मल पोजिशन में आए, ताकि क्या हो, इस तरीके से करके आप क्या कर रहे हैं, हार्ट के अंदर जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर मिनिमल इंटरप्शन, एक चेस्ट कंप्रेशन और दूसरे चेस्ट कंप्रेशन के बीच में जो है गैप कम से कम हो, ताकि उसको आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएं। फिर आता है अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन, एक और चीज की ध्यान रखना है कि जब आप उसको CPR दे रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, तो उसको जरूरत से ज्यादा वेंटिलेशन ना हो, मतलब जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड ना हो, ठीक है। प्लेस आप कहां पे करते हैं, इंपॉर्टेंट है, चेस्ट की बात है, चेस्ट में करना है, पर कहां पे करते हैं, तो एडल्ट और चाइल्ड में, जो बड़े हैं और जो बच्चे हैं उनके में कहां करना है, इंटर मेमरी लाइन मतलब बोथ निप्पल्स के बीच में जो सेंटर पॉइंट है उसको कहते हैं इंटर मेमरी लाइन, और उस जगह पे हमको क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन करना है। फिर बात करते हैं अगर इन्फेंट की, तो इन्फेंट में जस्ट बिलो द इंटर मेमरी लाइन, इन्फेंट में कहाँ, इंटर मेमरी लाइन के जस्ट बिलो नीचे की तरफ करते हैं चेस्ट कंप्रेशन। फिर बात करते हैं डेप्थ की, कितनी गहराई करना है, तो एडल्ट में और चाइल्ड में 2 inches, और या तो 2 inch या फिर सेंटीमीटर में बात करें तो 5 centimeter गहराई तक करना है। वहीं अगर इन्फेंट की बात करते हैं तो इन्फेंट में क्या है, 1.5 inch या फिर 1.5 inch या फिर कह सकते हैं अपन 4 centimeter गहराई तक हमको चेस्ट कंप्रेशन करना है। फिर रेट की बात करें, कितना करना है, तो एटलीस्ट 100 to 120 पर मिनट, मतलब 1 minute के अंदर 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन करना है, मतलब 1 second में 2 की संख्या में, तब जाके कहीं आप 1 minute में 100 से 120 कंप्रेशन कर पाएंगे। फिर बात करते हैं मेथड की, तो एडल्ट में, जो एडल्ट हैं उनमें 2 hands का उपयोग करके चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं, जो चाइल्ड हैं उनको 2 hands का भी उपयोग कर सकते हैं और एक सिंगल हैंड का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो इन्फेंट हैं, इन्फेंट में अगर करने वाला एक व्यक्ति है, 1 person है करने वाला, तो 2 finger technique, 2 उंगलियों की सहायता से उसके चेस्ट में कंप्रेशन करना है। वहीं अगर बात करें 2 rescuer हैं, करने वाले 2 लोग हैं, तो वो एक व्यक्ति क्या करेगा, उसको थंब इन सर्कलिंग मेथड मतलब उसके दोनों थंब्स कहाँ होंगे, चेस्ट के ऊपर होंगे और उसके जो हाथ हैं उसने क्या है, बच्चे की बॉडी, इन्फेंट की बॉडी को पकड़ के रखा हुआ होगा, ये कहलाता है थंब इनसर्कलिंग मेथड। तो एक बंदा क्या करेगा, उसको थंब इनसर्कलिंग मेथड से चेस्ट कंप्रेशन करेगा और दूसरा जो बंदा है उसके साथ में वो क्या करेगा, उसको रेस्पिरेशन देगा, ठीक है। अब रेशियो की बात करें तो एडल्ट में कितना रेशियो रखते हैं, 30:2 मतलब 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 सांसें, 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 सांसें। फिर वही चाइल्ड और इन्फेंट में अगर करने वाला एक व्यक्ति है तो 13:2 ही रखेंगे, अगर करने वाले 2 व्यक्ति हैं तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, 15:2 कर देंगे, मतलब 15 चेस्ट कंप्रेशन और 2 rescue breath अगर करने वाले 2 लोग हैं। फिर बात करते हैं एयरवे की, तो एयरवे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, हमको सांसें देना है, तो जब तक सांस का रास्ता क्लियर नहीं होगा तो आप ठीक से रेस्पिरेशन नहीं दे सकते। तो उसके लिए 2 तरीके हैं, पहला है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, और हेड टिल्ट चिन लिफ्ट उन पेशेंट में करते हैं जो मेडिकल केसेस हैं, मतलब वहाँ ट्रॉमा का, एक्सीडेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, कोई इंजुरी ऐसी नहीं है, मेडिकल केसेस हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट के द्वारा उसको एयरवे को ओपन करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा है जॉ थ्रस्ट, तो जो जब पेशेंट क्या है, ट्रॉमा का पेशेंट मतलब उसको एक्सीडेंट हुआ सकता है, वेहिकुलर भी हो सकता है, नॉन वेहिकुलर ट्रॉमा भी हो सकता है,
तो उस कंडीशन में जॉथ रेस्ट करेंगे। एक और कंडीशन है जब पेशेंट आपको अनबिटनेस मिलता है, अनकॉन्सियस मिलता है, अनबिटनेस मतलब उसको कोई देखने वाला नहीं है कि वो अगर बेहोश हुआ है, अनकॉन्सियस हुआ है तो कैसी कंडीशन में, या कोलैप्स हुआ है तो किस कंडीशन में हुआ है, किस वजह से हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हमको क्या करना है, जॉथ रेस्ट का उपयोग करके उसका एयरवे ओपन करना है। इसके बाद बात आती है ब्रीथिंग की, तो ब्रीथिंग क्या है, टू रेस्क्यूअर ब्रीथ, वन ब्रीथिंग फॉर वन सेकेंड, पहले सांस देना है तो कैसे देना है, पहले सेकेंड में एक सांस देना है, फिर 5 से 6 सेकेंड वेट करिए और फिर दोबारा से सांस दे दीजिए। तो ये कंडीशन है ब्रीथिंग की। इन्फेंट में थोड़ा सा टाइम कम लगता है, इन्फेंट में 3 to 4 सेकेंड में हमको क्या करना है, ब्रीथिंग रिपीट कर देनी है, ठीक है। अब बात आते हैं कंप्रेशन, तो कंप्रेशन एडल्ट में कितना, 30 into 2 का, और ये 5 साइकिल, 30 into 2, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्रीथिंग, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्रीथिंग, ऐसे 5 साइकिल देने हैं। और पीडीएम में अगर करने वाला 1 पर्सन है तो 30 into 2 का ही रेशियो करते हैं, अगर करने वाले 2 लोग हैं 2 पर्सन है तो 15 into 2 का रेशियो रखते हैं। तो ब्रीथिंग के बाद आता है डिफिब्रिलेटर, जिसको AED कहते हैं। तो अगर आपके पास AED आ जाती है, अवेलेबल है, तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप AED का या ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का उपयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग करने पे एक गाइडलाइन है जिसको हम क्या कहते हैं, पारस से डिनोट करते हैं। पारस में P स्टैंड फॉर द पावर ऑन, सबसे पहले इसका पावर सप्लाई चालू करते हैं। दूसरा A से आता है अटैच पैड, तो पेशेंट की चेस्ट में हमको क्या करना है, पैड अटैच करना होता है। फिर आता है रिदम एनालाइज, जैसे ही आप पैड अटैच करते हैं मशीन क्या करती है, उस व्यक्ति के हार्ट को चेक करने की कोशिश करती है कि उसका हार्ट चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो अगर चल रहा होता है तो फिर वो शॉक एडवाइस नहीं करती, अगर नहीं चल रहा है तो शॉक एडवाइस करेंगे। फिर आता है एयर वे फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट का अवे फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से दूर हो जाना है, हट जाना है, क्योंकि अगर आप टच में रहेंगे तो पेशेंट को शॉक लगेगा और उसके साथ में आपको भी शॉक लग सकता है, इसलिए पेशेंट से क्या चले जाना है, दूर चले जाना है। और फाइनली क्या है, शॉक एडवाइस, जैसे ही मशीन कहती है शॉक एडवाइस और वो कहती है पुश द ऑरेंज बटन, उस मशीन के अंदर जो ऑरेंज बटन है पुश करने के लिए बोलती है और आप पुश करते हैं तो शॉक क्या हो जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है। और ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। अगर करने वाले 2 व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति क्या है, स्टार्ट करता है CPR और दूसरा व्यक्ति उसकी फिर से प्रोसेस करने लगता है AED मशीन लगाने की, और ऐसे कई बार प्रोसेस कर सकते हैं या जब तक कि वो पेशेंट क्या है, सर्वाइव नहीं हो जाता या कोई एडवांस केयर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो जाती उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो डियर्स, ये था आपका बेसिक लाइफ सपोर्ट, और इसको उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, किसी की भी जिंदगी को सुरक्षित कर सकते हैं।